हेलो फ्रेंड, मैं विकास, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉर एवर पर। दोस्तों, MSCI इंडिया का जो स्टैंडर्ड इंडेक्स है उसमें 12 इंडियन स्टॉक्स जो है वो ऐड किए जा रहे हैं और दो उसमें से रिमूव किए जा रहे हैं। तो इनके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। उससे पहले थोड़ा सा MSCI के बारे में आपको बता दूँ तो MSCI होता क्या है। तो MSCI है मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल। इन्होंने कुछ ग्लोबल इंडेक्स बनाए हुए हैं जो कि हेल्प करता है फॉरेन इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट की या स्टॉक्स की वॉलेटिलिटी और जो है क्या मूवमेंट है इसके बारे में डिसाइड करने के लिए। तो इसी हिसाब से इस ग्लोबल इंडेक्स के द्वारा वो इन्वेस्ट करते हैं, जो भी वेटेज होता है उस स्टॉक का उस इंडेक्स पे। तो MSCI का जो इंडेक्स है, स्टैंडर्ड इंडिया इंडेक्स, ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है और कहा जाए तो नंबर वन इंडेक्स फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि कौन से 12 स्टॉक जो कि ऐड किए जा रहे हैं और कौन से 2 स्टॉक रिमूव किए गए हैं। तो MSCI इंडिया इंडेक्स का जो पहला स्टॉक, जो स्टैंडर्ड इंडिया इंडेक्स में पहला स्टॉक जो ऐड किया जाने वाला है वो है KMBL यानी कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। दूसरा स्टॉक है अदानी ग्रीन का। तीसरा स्टॉक है यस बैंक। जी हाँ, यस बैंक भी अब इसमें ऐड आ गया है और जिसका असर इसके मूवमेंट पे दिख रहा है, यस बैंक के मूवमेंट पे। और चौथा स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल। पांचवा है MRF जो कि एक बहुत बड़े अमाउंट यानी बड़ा प्राइस का शेयर है। इपकलेव छठा स्टॉक है जो कि ऐड होने जा रहा है। सातवां स्टॉक है बालकृष्ण इंडस्ट्री और आठवां स्टॉक है L&T इन्फोटेक जो कि मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। नाइन ट्रेंट और 10वां स्टॉक है PI इंडस्ट्रीज का। 11वां स्टॉक है मुथूट फाइनेंस का और 12वां स्टॉक है ACC। ये 12 स्टॉक्स जो हैं वो ऐड किए जा रहे हैं MSCI इंडेक्स में। और जो दो रिमूव किए जा रहे हैं उनके बारे में बता दूं तो जो दो रिमूव हो रहे हैं वो है LIC हाउसिंग का स्टॉक और दूसरा स्टॉक जो रिमूव हो रहा है वो है बॉश का। तो ये दो स्टॉक रिमूव होंगे। इसके अलावा जो MSCI का इमर्जिंग मार्केट स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें भी 3 स्टॉक ऐड किए जा रहे हैं। उनमें से पहला स्टॉक है 3M इंडिया जो कि लिक्विडिटी मैट करता है इसलिए उसे ऐड किया गया है। अदानी गैस, जी हाँ, अदानी ग्रीन जो है वो स्टैंडर्ड में है और अदानी गैस जो है वो इमर्जिंग मार्केट स्मॉल कैप में ऐड किया जा रहा है। और तीसरे नंबर पर है माइंड स्पेस बिजनेस का REIT जो कि अभी न्यूली लिस्टेड हुआ है। तो ये 3 स्टॉक इमर्जिंग स्मॉल कैप इंडेक्स में ऐड किए गए हैं। तो ये है जानकारी, जो 12 स्टॉक्स ऐड किए गए हैं स्टैंडर्ड इंडेक्स में और जो 2 रिमूव किए गए हैं और जो 3 स्टॉक्स ऐड किए गए हैं इमर्जिंग स्मॉल कैप मार्केट इंडेक्स में। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।